आगरा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कई स्थानों पर दौरा था। भ्रमण के बाद उन्होंने किसानों को लाभान्वित योजनाओं के चेक वितरण किए, साथ ही कई किसानों को ऋण मोचन के भी प्रमाण पत्र किए। पेश है ये रिपोर्ट। आगरा के जीआईसी मैदान में अभी थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को फसली ऋण मोचन योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र वितरण करने जा रहे हैं। देखते हैं, बात करते हैं किसानों से, किस तरह का उत्साह है प्रमाण पत्र पाने के बाद। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? खेरागढ़ तहसील तेहरा गांव। कितने रुपए का आपका? 20,000। माफ हुआ, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है सर। और क्या उम्मीद चाहते हैं सरकार से? सरकार से किसानों के लिए यही मदद मांगना चाहते हैं। क्या और करना चाहिए सरकार को? सरकार को किसानों के लिए उचित मूल्य पर किसानों का अनाज है वो जाना चाहिए। जैसे आलू है, आलू की इस साल फसल में कोई बढ़िया नुकसान हुआ है, इसका उनको वो करना चाहिए। हाँ, और आपका कितने का था? मेरा 50 का था। 50,000 रुपए। कैसा फील कर रहे हैं? माफ हो रहा। अच्छा, महसूस कर रहे हैं? क्या और उम्मीद है आपकी? आपको सरकार वोट देंगे और खा जाएंगे। बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। ऐसे ही होते रहे। 40 का था, माफ हो गया। अब कैसा? अब बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब अच्छा, ये मतलब ऐसा ही होता रहा है। क्या और चाहते सरकार से? बस ये मतलब किसानों को तरफ देखते रहे बस। साफ तौर पर किसानों में सरकार के प्रति काफ़ी उम्मीदें हैं, और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने किसानों के लिए अब तक जो किया वो ठीक है, लेकिन और भी उम्मीदें हैं किसानों की। किस तरह की उम्मीदें हैं आपकी? आपकी मान लीजिए उम्मीदें साहब, सभी किसानों के फुल लोन माफ़ होने चाहिए थे, और ये तो ऐसा हुआ जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। कितना हुआ आपका? हमारा तो 1,00,000 हुआ है। तो कितने का लोन था आपका? आपका भी 1,00,000 हो गई हो। हम तो ब्याज सहित शांति से फुल माफ होना चाहिए। तो सभी किसानों को मतलब जितना ऋण माफ होना चाहिए। तो 1,00,000 तक का? हाँ हाँ हाँ, माफ किया है। इसमें कुछ बकाया रह गए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हम लोग ये कहना चाह रहे थे, जितने भी हमारे किसान हैं सभी लोगों का लोन माफ किया जाए। इसमें कुछ है, बहुत सारे किसान छूट गए हैं, जो ईमानदार वाले रह गए, बहुत रह गए। हम ये कहना चाहते हैं, जो ईमानदारी से कर चुका रहे हैं लोग किसान, उन किसानों का लोन माफ़ नहीं हुआ है, और जो उनका भुगतते हैं उनका माफ़ हुआ है। हम तो ये चाहेंगे कि सारे किसानों का, यूपी में कितने भी किसान हैं, सबका लोन माफ़ किया जाए। किसानों की सरकार के प्रति काफ़ी उम्मीदें हैं, सरकार को लेकर किसानों में उम्मीदें अभी बरकरार हैं। आलू की फसल हो चाहे गेहूँ की, और अच्छे दामों में फसल उत्पादन के बाद बाजार में बिक्री हो, ऐसी किसानों की उम्मीद है। मैदान में योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में आने वाले हैं, उससे पहले किसानों से बातचीत करते हैं कि ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण होने जा रहे हैं। किसानों को क्या किया सरकार ने? ऋण कर दिया है, ब्याज लग रही है, चाहे 1,00,000 का ब्याज है 1,00,000 माफ किया है, और ब्याज ऊपर की है और धनी जिसमें कम पैसा है उसकी ब्याज और मांग रहे हैं। मान लो 30,000 का लोन है तो 30,000 पे ब्याज और मांग रहे हैं बैंक वाले। आपके खाते से कितने रुपए काट लिए गए? मैं दिखाता हूँ आपको। फिर भी आपके हिसाब से कितने रुपए काटे हैं? देखो जी, 30,000 रुपया लिया था हमने, ये 1,500 जी काट ले, लास्ट में बैलेंस 6 रुपये रह गया, वो 6 भी काट लिया, मिल कर दी पास। मतलब खाते में से ही पैसे ले लिए? हाँ हाँ हाँ, बचत खाते में से। आपकी क्या समस्या है? बताकर 10,000 और 8,500 और मांग रहे हैं। और लोन कितने का था? 30,000 का। 30,000 का लोन और हाँ, पैसे भी काट लिए। हाँ, अभी भी बैंक आपसे पैसे मांग रही है? हाँ, कल भी मैं गया हिसाब करने, 8,500 और मांग रहे हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कोई नहीं, सुनते काम कोई कोई नहीं सुनवाज कोई सुनाई नहीं है। 18% ब्याज काट रहे, 1,80,000 लोन है। कितना माफ हुआ? 1,00,000 रुपये। और पैसे कितने और मांगे? बकाया के तो 1,40,000 से करीब मांगा बता रहे, 1,40,000। आपसे कितने तो, आपसे कितने रुपए? मैंने 40,000 रुपये लिए हैं, और वैसे मेरा लिस्ट में नाम आ गया है, अभी प्रमाण पत्र मिलने के लिए जा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अब देखो साहब, ब्याज मांग रहे हैं वो अलग से, ब्याज अलग से। हाँ, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने भले ही ऋण माफ किया हो, लेकिन बकाया ब्याज के नाम पर बैंक किसानों का बदस्तूर उत्पीड़न कर रही है। ऐसी स्थिति में कई किसान जैसे हैं कि इनके खातों से जो बैलेंस था उसको भी बैंक ने नील कर दिया।